अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ये देखिए, आज मैंने बनाए हैं दाल चावल। तो रेसिपी तो निकल चुकी है, लेकिन मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी बाद में कि मैंने किस तरीके से बनाए। ये मैंने जो है राइस जो है भगार वाले बनाए हैं, ज़ीरे और साबित गरम मसाला थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें, और तेज़पत्ता, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है चावलों में। उसके बाद मैंने तैयार की है दाल, जो कि अभी बन रही है, और साथ ही मैंने उसके बनाई है ये सैलड, जिसमें मैंने प्याज, नींबू, मिर्चे और टमाटर डाला है, और साथ ये अचार है नेशनल का हमारे साथ, ठीक है जी। और ये जो है ग्रीन चिली हैं, जो बहुत ही क्रिस्पी वाली हैं, और इनको मैं फ्राई करूँगी ऑयल में ज़ीरे के साथ, तो ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे दाल चावल के साथ। तो यहाँ जो है हमारी दाल बन रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दाल थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है, देखें तो मैं इसमें अब भगार लगाऊंगी अच्छा सा, और ये टमाटर को थोड़ा सा मैश कर दूंगी ताकि जो है ये मुंह में ना आए, अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। तो दाल भी मैंने थोड़ी सी डिफरेंट बनाई है अब की। हमेशा मैं बॉयल से स्टार्ट करती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने पहले भगार थोड़ा सा लगा के और फिर जो है मैंने दाल डाला मसाले के साथ सारी, और फिर मैंने इसे पकने की तरह रख दिया। अच्छा, जैसे कुकर में पकती है सेम उसी तरीके से देखें दाल गल चुकी है और बहुत ही यम्मी लग रही है शक्ल से। तो अब मैं इसमें भगार लगा देती हूँ लहसुन और ज़ीरे का, तो मज़ा ही आ जाएगा अब तो दाल का यकीनन। तो ये जो है मैंने तड़का लगा दिया है, नमक आप मैंने हसबे ज़ायका डाला था, तो मैंने दोबारा चेक करके इसमें फिर दोबारा डाल के हल्का सा पिसा गरम मसाला भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और ये हमारी दाल जो है ये बिल्कुल तैयार है, रेडी है। तो ये देखें, ये मैंने थोड़ी सी मिर्चें जो है करारी सी क्रिस्पी सी फ्राई कर ली हैं, जो दाल चावल के साथ बहुत ही बेहतरीन लगती हैं। तो आइए मैं प्लेट रेडी करती हूँ, और आई होप आप सब इन्जॉय करेंगे इसे और ज़रूर ट्राई करेंगे। तो ये जो है गर्मियों की बेहतरीन डिश है खाने की, जो आप किसी भी टाइम बना सकते हैं, दिन हो या रात। तो दाल चावल तो हर सीज़न में अच्छे लगते हैं। तो ये जो है हमारी प्लेट हो गई है रेडी, तो इसको मैं सर्व करती हूँ, और इसमें शामिल करूँगी साथ में थोड़ी सी सैलेड, और साथ में जो है ये ग्रीन चिली और हमारा अचार नेशनल का, और साथ में मैंने दिन में बनाया था थोड़ा सा आलू का भुर्ता, जो मैं साइड पर रख दूँगी। तो ये लीजिए, तैयार है डिश।